11th topic of capital market in India chapter is reforms in capital market in India या recent development in capital market of India. First point, enactment of various legislations. India में capital market के proper development के लिए government ने कई legislations जैसे कि securities या exchange board of India act SEBI 1992, Depositories Act 1996, Companies Act 2013, SEBI Amendment Act 2013 etc. बनाए हैं. इन legislations के अलावा government ने stock markets, corporate units, financial institutions, mutual funds etc. की functioning को improve करने के लिए time to time कई rules और regulations बनाए हैं. यह रूल्स और रेगुलेशंस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. सेकंड पॉइंट, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि डिपॉजिट करने वाले पर्सन का एजेंट होता है, उसके द्वारा सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीमटेरियलाइजेशन में डिपॉजिटरी के बैंक अकाउंट की तरह ही एक डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है. जब भी सिक्योरिटीज़ परचेज करता है तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं और सिक्योरिटीज़ की सेल करने पर वो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाती हैं. डीमैट अकाउंट के ज़रिए सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज़ सेफ़ और ईजी है, क्योंकि इसमें फिज़िकल ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉब्लम्स जैसे डिले इन ट्रांसफ़र, बैड डिलीवरी, थेफ्ट, फेक और फोर्ज्ड शेयर्स, पेपर वर्क इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. इसमें ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ फास्ट और बिना स्टैंप ड्यूटी के होता है. डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए सेबी ने कई मेथड्स डेवलप किए हैं. थर्ड पॉइंट, डेरिवेट ट्रेडिंग. मार्केट में हेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने और लिक्विडिटी को एनहेंस करने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत की गई. इसको जून 2000 में शुरू किया गया. डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं. आज इंडिया की डेरिवेट मार्केट की टर्नओवर कैश मार्केट टर्नओवर से ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट, ग्रेडिंग ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO. इनिशियल पब्लिक ऑफर ग्रेडिंग एक ग्रेड होता है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज के द्वारा इक्विटी शेयर्स या किसी और सिक्योरिटीज़ को इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि किसी कंपनी के पहले पब्लिक ऑफर पे प्रोवाइड की जाती है. इशुइंग कंपनी के लिए उसका IPO ग्रेड डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, चाहे यह इशुइंग कंपनी को एक्सेप्टेबल हो या ना हो. ग्रेड फंडामेंटल्स का दूसरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के साथ कंपैरिजन करके उनकी असेसमेंट करता है. ऐसी ग्रेडिंग 5-point स्केल पे की जाती है, जिसमें हाई सेक्टर का मतलब स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स और लो स्कोर का मतलब लो फंडामेंटल्स है, जैसे कि नीचे दिया गया है. IPO ग्रेड 1 का मतलब होता है पुअर फंडामेंटल्स. IPO ग्रेड 2 का मतलब बिलो एवरेज फंडामेंटल्स, यानी कि एवरेज से कम. और ग्रेड 3 का मतलब होता है एवरेज. ग्रेड 4 का मतलब होता है अबव एवरेज फंडामेंटल्स. IPO ग्रेड 5 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स. फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA. सिक्योरिटीज़ का पब्लिक इशू करने के लिए एक और प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है, जिसका नेम है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA. इस सिस्टम में सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करते वक्त इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में उन सिक्योरिटीज़ के लिए फंड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि यह फंड्स तब ही इन्वेस्टर के अकाउंट से डेबिट या कट किए जाते हैं जब उसको सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट कर दी जाती है. अगर इन्वेस्टर को अप्लाइड सिक्योरिटी से कम सिक्योरिटीज़ अलॉट की जाती हैं तो उसके अकाउंट से सिर्फ अलॉटेड सिक्योरिटीज़ की अमाउंट ही डेबिट की जाती है. ASBA सिस्टम में इन्वेस्टर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र और कंपनी के अकाउंट से इन्वेस्टर के अकाउंट में एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करने की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती. शेयर्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ASBA को मैंडेटरी, यानी कि कंपल्सरी बना दिया गया है. इस सिस्टम को यूज़ करने से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को और भी सिक्योरिटी मिल गई है.
सिक्स्थ पॉइंट, इंटरनेट ट्रेडिंग। इंडिया में जनवरी 2000 से ही सेबी के द्वारा इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया गया है। इंटरनेट ट्रेडिंग में सभी ट्रांजैक्शंस यानी कि सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इससे क्लाइंट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंटरनेट से ब्रोकर के इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए ट्रेड कर सकता है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने उसके मेंबर्स को इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए अप्रूवल दे दिया। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल बोल्ट शुरू किया है। आजकल तो मोबाइल ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है जिसमें मोबाइल फ़ोन की हेल्प से ट्रेडिंग होती है। क्लाइंट अपने मोबाइल फ़ोन से ही सिक्योरिटीज़ की परचेज और सेल कर सकता है। मोबाइल ट्रेडिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग में ही एक्सटेंशन होती है। सेवन्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फॉर रिफंड। इशुइंग कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग फैसिलिटी फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी को ऑफर करना मैंडेटरी है। अगर एप्लीकेंट या अन्य सक्सेसफुल बिडर को सिक्योरिटीज अलॉट नहीं की जाती, एप्लीकेंट के पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपनी मनी को रजिस्टर्ड या ऑर्डिनरी पोस्ट के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए रिफंड करवा सकता है। सेबी ने इशू प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फॉर रिफंड के यूज़ को परमिशन दे दी है। एप्लीकेंट अपना रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT के ज़रिए और डायरेक्ट रिफंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के ज़रिए करवा सकते हैं। अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जिन्हें शेयर्स अलॉट नहीं होते, वो अपनी एप्लीकेशन मनी को इलेक्ट्रॉनिकली इमीडिएटली रिफंड करवा सकते हैं क्योंकि पोस्टल रिफंड में डिले हो सकती है। एट्थ पॉइंट, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जनवरी 2003 में शुरू हुई। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग ट्रेडिशनल वे में पहले बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को उसी समय रिकॉर्ड करके की जाती थी। यह तरीका बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट था। स्टॉक एक्सचेंज में एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए पूरी कंट्री में ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम SBTS को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में मेंबर कंप्यूटर में सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी और प्राइस, जितने भी वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो पंच या अपलोड कर देता है। जब उसे मैचिंग सेल या बाय का ऑर्डर मिल जाता है तो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट या परफॉर्म किया जाता है। SBTS में ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैच किया जाता है ताकि टाइम, कॉस्ट और एरर के रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके। इससे ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। यह सिस्टम मेंबर्स की आइडेंटिटी रिवील किए बिना उनसे बिग या स्मॉल ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है। नाइन्थ पॉइंट, बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स। सिक्योरिटीज़ के पब्लिक इशू के लिए सेबी ने बुक बिल्डिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया है। बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO के ज़रिए कैपिटल रेज करते हैं। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में शेयर्स का इशू प्राइस कैपिटल मार्केट में उनकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। इन्वेस्टर्स से बिड्स इनवाइट की जाती हैं जो कि वो डिफरेंट प्राइस पे प्लेस करते हैं। एक प्राइस रेंज फिक्स कर दी जाती है जहां तक इन्वेस्टर्स बिडिंग कर सकते हैं। इशू प्राइस रिसीव्ड बिड्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। जब एक बार इशू प्राइस डिटरमाइन कर लिया जाता है तो वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने उस प्राइस या उससे ज़्यादा प्राइस के लिए अप्लाई किया हो उन्हें इशू प्राइस पे शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और अनसक्सेसफुल बिडर्स को रिफंड ऑर्डर्स मिल जाते हैं। टेंथ पॉइंट, पब्लिक इशू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म EIPO। अक्टूबर 2012 में सेबी ने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया है जिसमें पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किए जा सकते हैं। EIPO में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल करके उसे किसी भी स्टॉक ब्रोकर को सबमिट करवा सकते हैं चाहे वो कंट्री में कहीं भी हों। इससे शेयर्स की लिस्टिंग में लगने वाला समय जो कि पहले 12 डेज था अब कम होकर 2 से 3 दिन हो गया है।
इलेवेंथ पॉइंट, इंक्रीज इन शेयर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट में जनरल पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करने के लिए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स की अलॉटमेंट में रिजर्वेशन कर दी गई है, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स के लिए ₹2 लाख इस अमाउंट पे अप्लाई करता है तो उसे रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। सेबी ने भी कंपनीज को रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉर्मल इशू प्राइस से कम प्राइस में शेयर्स ऑफर करने के लिए परमिशन दे दी है। 12th पॉइंट, कॉरपोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। 2004 में स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोराइज हो गई। पहले स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के अंडर थी, लेकिन अब स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में है। इससे स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग इम्प्रूव हुई है। 13th पॉइंट, रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। पिछले कुछ सालों से इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स GDRs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स FCCBs, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECBs एक्सेट्रा को इशू करके फंड्स रेज करने की परमिशन मिल गई है। इन सभी मेजर से इंडियन कैपिटल मार्केट में कैपिटल की अवेलेबिलिटी रेज हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।